मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं का राज आज भी बुलंद है। लगातार हत्याएं हो रही है, परंतु प्रशासन और ना ही मशीनरी इस ओर ध्यान दे पा रही है। चंबल में बेलगाम खनन माफिया ने आज एक डिप्टी रेंजर की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवा का कसूर बस इतना था कि उन्होंने चंबल से अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को रोकने की हिम्मत की। पुलिस प्रशासन अब फिर से सख्त कार्रवाई का राग अलाप रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बनी वन चौकी पर अवैध परिवहन को रोकने के लिए मृतक डिप्टी रेंजर की अगुवाई में 5 लोगों की टीम तैनात थी। बताया जा रहा है कि तकरीबन सुबह 10:30 बजे 2 ट्रैक्टर चंबल की ओर से आते दिखे। डिप्टी रेंजर ने इन ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया। एक ट्रैक्टर चालक ने उनके ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इन माफियाओं पर कार्यवाही भी कर पाता है या नहीं। गुड्डू मिश्रा की रिपोर्ट। ये जो अवैध रेत के ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनकी कई बार शिकायत हुई, कई भी बार घटनाएं हो गई हैं। इस तरह के इन पुलिस वन कर्मियों को ऐसे आदेश नहीं है कि तो अगर ट्रैक्टर नहीं रुकता है तो उसको गोली मारी जाए। पहले 15-20 लोग ख़त्म हो गए, अभी 1-1.5 महीने पहले आज सूबेदार सिंह राजावत जो हमारे भंड के निवासी हैं, छत्री हैं, वो ख़त्म हुए। शासन ने उन ट्रैक्टरों को अरेस्ट करे, और मेरा ये है कि श्री सूबेदार सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको तुरंत आर्थिक मदद की जाए। जिस तरह से अभी हमने यहाँ रोका, ये इसमें साधारण ट्रक में रख के उनकी डेड बॉडी ले जा रहे थे। ये जो वन विभाग का काम है, उसमें मैं घोर निंदा करता हूँ, और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसी बढ़िया गाड़ी उनको दिया जाए, और सम्मान सम्मान सहित शहीदों का जैसे सम्मान होता है उस तरह से सम्मान दिया जाए। अन्यथा क्षत्रिय महासभा यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन कर देगी, जो कि शासन प्रशासन को झेलना नहीं पड़ेगा। पुलिस रेत का परिवहन होता है तो फॉरेस्ट कर्मचारी और स्पेशल सफल लोग हैं। आज सुबह ये बता रहे हैं तो इनकी प्लेट थी, तो ये अब रोडा के रूप में रखते हैं। उस प्लेट को शायद ट्रैक्टर वाले अलग कर रहे थे, ये थाने गए, इसी